prepare the format. Trial balance as at. We will always use the word as at. 31st March 2020. Serial number, name of the ledger, debit and credit. And here we close it. Right? Read the first item, cash in hand. Cash in hand is our asset. Here we write name of ledger. Here we write serial number. Here we write debit, and here it is credit. So cash in hand is to be debited. Number one, 4, 5, and then again 555. Cash at bank. ये मेरे cash box में पैसा पड़ा है. That is cash in hand. जो मेरा बैंक में डिपॉजिट है उसे बोलेंगे कैश एट बैंक. दैट इज ऑल्सो आर एसेट. 32,000 डेबिट. बीइंग एन एसेट इट इज टू बी डेबिटेड. देन इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट. ₹46,440. मनीषा के साथ डेबिट है और पर्सन का नाम है भाई मनीषा. It means ki she is going to be my debtor. Once he is writing debit in front of her, it means ki she is my debtor. Once she is my debtor, it is my asset, right? Manisha ke saath debit likh ke ise debtors wale column mein likho. It is 6,800. Maine ab idhar wali items nahi likhni, ye aapne khud copy karni hai. Maya, Maya ke saath kya likha? Means Maya meri creditor hai, means meri liability hai. 54,325. आगे चलते हैं. पायल भी क्रेडिटर है. पायल कितने से क्रेडिटर है? अमाउंट ठीक लिख रही हूं मैं. 35,675. ड्रॉइंग्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड. गुड. सो ड्रॉइंग्स आर 14,500. Next, patent right is my asset, 26,500. Leasehold premises is my asset, that is 2 lakh zeros. Digit ke niche digit. Purchases is my expenditure, 180. Sales is my income, 2,58,600. After sales, what else I have? Opening stock is my asset. Being an asset, what is the meaning of opening stock and what is the meaning of closing stock? Sometimes he write opening stock, closing stock separately. ये topic भी आएगा आगे जाके trial balance वाले chapter में. Opening stock क्या है, closing stock क्या है, दोनों में difference क्या है? Why he is not writing only stock? Why he is writing opening and closing? Raise your hand. One, I will ask from one. Raise your hand. चलो एक रफ सा आंसर है. जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पास जो स्टॉक था. ओके नहीं और एनीथिंग एल्स? स्टॉक लेफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द कमिंग ईयर. पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक जब हम अगले साल आगे लेके आते हैं या पिछले महीने का बचा हुआ स्टॉक हम अगले मंथ में आगे लेके आते हैं तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. पिछले साल के बचे हुए स्टॉक को क्लोजिंग कहना है. वही स्टॉक जब आगे लेके आएंगे वो पड़ा थोड़ी ना रहने देंगे, उसे पहले बेचेंगे या यूज करेंगे. दैट बिकम्स आवर ओपनिंग स्टॉक. लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, ये आपने याद रखना है. दोनों ही स्टॉक हमारे एसेट है. ठीक, और दोनों की अलग अलग थोड़ी सी ट्रीटमेंट है. दैट वी विल डिस्कस जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक वाला टॉपिक आएगा. फिलहाल आपने ओपनिंग स्टॉक लिख देना है. एसेट साइड पे लिख दिया मैंने. सुरभि डेटर है, मीन्स मेरी डेटर. डेबिट लिखा है, मीन्स मेरी एसेट है. तहीरा इज क्रेडिटर, 10,000.
Capital is my liability 3,78,000 and 795. Good. Preliminary expenses means expenses है. कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे होते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं. दैट आर 16,000 टू बी डेबिटेड. रेंट इज माय एक्सपेंडिचर टू बी डेबिटेड 24,000. डन. रेंट आउटस्टैंडिंग इज माय लायबिलिटी 4,000. जब पेपर में क्वेश्चन आएगा अपनी सारी आइटम्स काउंट करनी है, फिर देखना मैंने सारी पोस्ट कर ली है कि नहीं. जब रिसीव्ड होगा तो वो मेंशन करेगा, जब खुद कुछ नहीं कहता तो इट इज ऑलवेज पेड. ठीक है. रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस इज माय लायबिलिटी. कोई भी इनकम जब मेरे को एडवांस में मिल जाती है मेरी लायबिलिटी. ऑल डन. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू गेट द टोटल. You will find the total will be same. For both the columns, you will find the total same. So total should be fast and accurate. अब ध्यान से सुनो एक बात. जब बहुत सारे persons के नाम होते हैं question में, है ना, जैसे यहाँ पे दो तीन persons के साथ bracket में debit लिख दिया था, दो तीन पर्सन के नाम के साथ ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया था, तो उस केस में वो हमें सुजेस्ट करता है आप डेबिट वाले सारे ऐड कर लो, क्रेडिट वाले सारे अलग से ऐड कर लो और उन्हें नाम दे दो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स रिस्पेक्टिवली. आप अगर अलग अलग जैसे मैंने लिखा है लिखते हो वो भी ठीक है. बात तो टोटल की है ना. पहले टोटल कर लिया तो उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिख लिया, या बाद में टोटल में ऐड कर लिया, टोटल तो सेम ही आना. सिर्फ एक नई चीज आपको सिखाई. व्हेन सो मेनी personal accounts are being debited in the trial balance question and so many personal accounts are credited in the question, better to get their separate total and call them sundry debtors and sundry creditors. Jo total uthaoge fir ek ek total aa jayega na, ek total aa jayega sundry debtors ka, dusra total aa jayega sundry creditors ka. So it depends upon you. You can go with the way your book is doing, you can go the way I solved the question on the book, right? So this was a new thing here. Fourth illustration is simple. We will do fourth follow up. Everybody will solve fourth follow up with me. Again, I will not write the name of the ledger here. I will just be writing the amount. Follow up fourth we will solve. Everyone, illustration is solved in your book. We will do follow up. Let's do follow up fourth. Prepare the format. Trial balance asset, जो भी वो डेट देगा that you will write. As at 31st March 2020. अभी question करना है बेटे, सभी ने करना है और अपने आप करना है. Furniture and fixture is my asset. So F and F I am writing. 30,300. Number one लिख लेना साथ में. Plant and machinery 40,400 my asset. Drawings is always debited. 10,100 debited. Trademark is also debited being an asset. Sales is to be credited 90,900. Sales return bolo. Yes, agar sale credit hai to uski return debit hai. Good. That is 1,010. Purchases debit 70,700. Return outward credit, that is another name of purchase return.
2020 2020 कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड यस चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो दोनों डेबिट गुड 880 एंड 900 बैड डेट्स व्हाई नेचर व्हाई लॉस है लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड गुड क्या हो गया बुक डेट्स एंड बुक डेट्स है बुक डेट्स का मतलब डेटर्स एनदर नेम ऑफ बुक डेट्स इज डेटर्स ठीक है इट्स नॉट बैड डेट्स इट्स बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स ठीक है तो भी डेबिट ही होना है डन साथ में ब्रैकेट में लिख लो डेटर्स कैपिटल क्रेडिटेड 72,470 Provision for bad debts, all provisions and reserves are always being credited. Good, 1500. हाँ, apprenticeship premium हमने discuss किया था, हमारे trial balance के format में भी था, it is our income, 3000. Office equipment is our asset, 12,800. Mortgage loan, समृद्धि आप फिर कुछ नहीं लिखा, हमने loan लिया के दिया है. जब तक खुद कुछ नहीं लिखता लोन इज ऑलवेज आर लाइबिलिटी ठीक है लोन हम लोगों ने लिया हुआ है डन मॉर्टगेज लोन 25,000 लाइबिलिटी डिस्काउंट अलाउड इज आर एक्सपेंडिचर 1000 बैंक लोन दैट इज ऑल्सो आर लाइबिलिटी Interest on bank loan is our expenditure, 1600. आगे चलो. Underwriting commission, what it means? We appoint certain persons who we call underwriters. They promises to sell off our shares, and in return of their services, we give them commission. That commission is our expenditure. That is 3500. लाइव स्टॉक बिल्कुल ठीक है एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं दैट इज डेबिटेड गर्ल साइड विल डू द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम बॉयज विल गेट द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम एंड वी विल सी मैचिंग और नॉट यस रीड फ्रॉम योर बुक क्लोजिंग स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स पेज नंबर 10.16 पे आ जाओ सभी लोग Page number 10.16, come at that page, at the top. Treatment of closing stock in trial balance. आ गया, सबने ये टॉपिक खोल लिया? चलिए, let's read. Closing stock is that part of the stocks purchased or manufactured which is left unsold at the end of accounting period. Definition ठीक है? Closing stock बचा हुआ वो part of stock है या हमने खुद बनाया था जो अभी तक नहीं बिका, वो closing stock है. Generally, the closing stock does not appear in the balance sheet line. से agree करते हो? आम तौर पे इसे trial balance में नहीं दिखाया जाता. Reason is simple. Reason हम discuss कर चुके हैं. क्योंकि इसकी कोई journal entry नहीं होती. क्योंकि इसका कोई ledger account नहीं बनता. इसलिए closing stock is not an account. Then what closing stock is? अभी मैंने बोला इसका कोई ledger account नहीं बनता. तो उसने भी सही line लिखी. Closing stock is not an account. Why it doesn't have an account? Because it is just our own counting. मैं गोडाउन में जाती हूँ मैं पड़े हुए सामान को गिन लेती हूँ और उसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया कहाँ पे मैंने इसका लेजर अकाउंट बनाया क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में मेरे थ्रू गिना हुआ सामान और उसकी वैल्यू डाली मैंने तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया इसका हम कभी भी लेजर अकाउंट नहीं बनाते इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा इट्स अमाउंट इज नॉट असेंटेन फ्रॉम एनी लेजर अकाउंट बट इज कैलकुलेटेड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स What is the meaning of physical verification of goods? I go to my godown, I just counted the material. या मैं खुद being an owner, मैं नहीं जाऊंगी godown में मैंने एक storekeeper रखा हुआ है उस storekeeper ने मेरे store का सारा record रखा हुआ है ठीक है कितना सामान आया वो plus करता है कितना मैंने use कर दिया वो minus करता है कितना मेरा बिक गया वो minus करता है महीने के end में मेरे को stock का record देता है And sometimes I can go for surprise visit. मैं चेक करना चाहती हूँ कहीं सामान में कोई हेर फेर तो नहीं हो रहा कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही
So surprisingly, the owners sometimes may visit. But ultimately, कभी इसका ledger account नहीं बनता, इसलिए trial balance में नहीं आता. इतनी बात clear है? ठीक है, अब आगे चलते हैं. कौन सी वो circumstances हैं जिन circumstances के अंदर हम closing stock को trial balance में दिखाएंगे. 4 है points बेटे, उसमें से 3 अभी आपको समझ आ जाने हैं, एक जब final accounts करेंगे तब आए. ठीक है, तो आई नेवर आस्क यू पीपल टू क्रैम द थिंग्स. मैं लॉजिक के साथ हर पॉइंट को डिस्कस करूंगी कब और क्यों क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है. लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट. फाइनल अकाउंट्स मींस ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ नहीं, वो शायद नहीं हो पाएगा. जितने चैप्टर मैंने बोले वो होंगे पक्का. ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है तो लेजर भी बनेगा. कौन सी? आई एम राइटिंग द एंट्री. ओपनिंग स्टॉक के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन है. सी द एंट्री, कौन सी एंट्री करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक. इससे पहले एक ओपनिंग एंट्री सिखाई हुई आपको. पिछले साल की या महीने की चीजें जो बची हैं उनको अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करना है तो एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं. तो आमतौर पे वर्ड उसके आगे ओपनिंग नहीं लगाते थे, उसे सिंपली स्टॉक डेबिट करते थे. लैंड एंड बिल्डिंग जो है पिछले महीने की उसे भी डेबिट करो. प्लांट एंड मशीनरी है उसे भी डेबिट करो. फर्नीचर एंड फिक्स्चर है उसे भी डेबिट करो. सारी लायबिलिटीज क्रेडिट करो. तो ये ओपनिंग एंट्री में स्टॉक डेबिट हुआ था ना. और उसके बाद उसकी एक ट्रांसफर एंट्री आती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक. ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली ये खत्म हो जाता है. लेकिन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनने से पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, बीच में एक लिंक का काम करता है. मींस इस एंट्री के इमीडिएटली बाद मेरा ट्रायल बैलेंस बनना है. जर्नल के बाद, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है ना. ठीक है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में आएगा ना. ठीक, इसलिए इसकी एंट्री होती. डन. अब आगे चलते हैं. अगर ओपनिंग स्टॉक की ये एंट्री है तो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री होती बेटे. रिवर्स, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ये दो एंट्रीज माइंड में रखना. इन दोनों पॉइंट्स को वी विल डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 4 केसेस आर देयर, आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू आर क्लोजिंग स्टॉक यू विल शो इन द ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट केस, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड इन द परचेसेस बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस बाय पासिंग दिस एंट्री. अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपने ये एंट्री करी है, ध्यान से एंट्री का लॉजिक देखना. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. अगर एंट्री पास करी है डेफिनेटली लेजर अकाउंट भी बनेगा. और इस एंट्री का मतलब क्या है ध्यान से सुनना. आपने सामान खरीदा 1,00,000 का, परचेजेस, उसमें से 5,000 का बच गया. 5,000 का बच गया, 1,00,000 का खरीदा, 5,000 का बच गया. जो बच गया सामान है वो आपने परचेजेस में से माइनस किया. तो आपने एंट्री भी कर दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस. इट मींस कि आपने अपनी परचेसेस को एडजस्ट कर लिया. यू कॉल्ड इट एडजस्टेड परचेसेस एंड दैट परचेसेस आर 95,000. नाउ अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेसेस में से माइनस कर दिया है और आपने ये जर्नल एंट्री पास करी है तो उसकी जर्नल एंट्री भी पास होगी, लेजर अकाउंट भी बनेगा, तब ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में शो होगा. आई एम रिपीटिंग द लाइन. Once you adjusted your purchases with usually we never pass this entry, mind it. ये हमारी smartness है हमारे accountants की और clerks की. अगर वो closing stock से related ये entry pass करते हैं तो आपने इसे trial balance में दिखाना है. And what the effect of this entry? With the help of this closing stock, you are just adjusting your purchases. Otherwise करने की जरूरत नहीं है, ये entry pass करने की जरूरत नहीं है. This is only an exceptional case. Once you are passing this entry, you will be preparing its ledger account. Then with what amount you will be showing it in the trial balance? 5,000 only. Because you have entry mein 5,000 se hi to purchases minus kari hai.
और इसके पीछे कोई लॉजिक मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्यों क्यों परचेसेस में से माइनस किया? व्हाट द लॉजिक द अकाउंटेंट माइट बी फॉलोइंग? क्या लॉजिक रहा होगा अकाउंटेंट का? 1 लाख का अगर मैंने सामान खरीदा, सिंपल सा लॉजिक है, 5,000 का बच गया, क्या मेरे को अपने परचेसेस को 1 लाख का खर्चा दिखाना चाहिए था? 5 का तो बच गया, तो मेरे को परचेसेस का खर्चा कितने का दिखाना चाहिए था? नेट का, नेट इफेक्ट 95,000। सो ये लॉजिक उनके माइंड में रहा होगा, दैट्स व्हाई दे पास दिस एंट्री। वंस यू आर पासिंग दिस एंट्री, यू विल बी प्रिपेयरिंग इट्स लेजर अकाउंट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इट्स लेजर अकाउंट, यू विल डेफिनेटली शोइंग इट इन योर, एंड माइंड एट दिस एंट्री यू शुड पास बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले ये काउंटिंग हो चुकी हो और आप ये एंट्री पास कर चुके होंगे, तभी ये ट्रायल बैलेंस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलो। और एक बात, अब हमें कहां से पता चलेगा हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कि स्टॉक एडजस्ट हुआ है कि नहीं? अभी तक जितने भी 2 या 3 क्वेश्चन करे, 1 फॉलो अप करा, हमारे क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता था ओनली परचेसेस, राइट? अब क्वेश्चन जो आएंगे उसमें वो वर्ड लिखेगा एडजस्टेड परचेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेसेस? उस परचेसेस में से स्टॉक माइनस हो चुका है। जब स्टॉक माइनस हो चुका है तो आप अलग से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखोगे कि नहीं? लिखोगे। So whenever in the question he is giving you the term adjusted purchases, it is a hint कि इसमें से stock minus हो चुका है, तो आप closing stock को अलग से trial balance की debit side पे लिखोगे। Means आपका उस case में first case है वो, ठीक है? First exceptional case है। Anybody who is not getting it, raise your hand। जिसको ये point नहीं समझ लगा, raise your hand। किसी को कोई doubt है about the first point, you may ask। अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता थ्योरी का, अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूं इस चैप्टर में, और वाईवे में भी क्वेश्चन बनता है। टेल मी वन एक्सेप्शनल केस व्हेन यू विल बी शोइंग योर क्लोजिंग स्टॉक इन योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सेकंड पे आइए। व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, अगर वैसे तो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट से हमेशा पहले बनता है, पहले तो यही है। बहुत कम बार होगा कि आप ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाओगे। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाओगे तो आप ये एंट्री कर चुके होंगे। अभी सिखाई क्लोजिंग स्टॉक की, जब आपने ओपनिंग स्टॉक की करी है तो आप क्लोजिंग स्टॉक की भी करोगे। ठीक है, मींस आप ये एंट्री कर चुके हो। जब आप ये एंट्री कर चुके हो तो डेफिनेटली आप लेजर अकाउंट भी बना चुके हो, तब ये ट्रायल बैलेंस में आएगा। आमतौर पर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट, बट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग इट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देन डेफिनेटली यू विल बी पासिंग दिस एंट्री। जब एंट्री पास हो गई तो लेजर अकाउंट भी बन गया, तब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका ट्रायल बैलेंस में आएगा। थर्ड पॉइंट छोड़ दो, आपको समझ नहीं लगना, लीव थर्ड पॉइंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी क्लास में बताया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी क्लास में बताया हुआ है? कभी क्लास में बताया है? इसका एक फॉर्मूला है बेटे, हर कॉमर्स के स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो टर्म का मतलब क्या है, सामान को बनाने और बेचने पे हमारा टोटल कितना खर्चा होगा, बनाने और बेचने दोनों। If you are manufacturing yourself, तो वो बनाने का भी खर्चा होगा, साथ में बेचने का भी होगा। बनाने के खर्चे क्या हो सकते हैं? Your production cost, your direct expenses तो बता दिए हुए। और बेचने का कौन सा खर्चा हो सकता है? Selling and distribution expenses, आपके सेल्समैन की कमीशन। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं जरा देखना, फॉर्मूला देखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सी द फॉर्मूला वंस अगेन, क्या लिखा मैंने? पिछले महीने या साल का जो सामान बच गया है वो इस बार आप बेचोगे पहले। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हिसाब किताब होता है, और हमारे अकाउंट्स में फीफो हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं पुराने सामान को अब की बार नहीं बेचूंगी, वो तो पड़ा पड़ा डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, मेरे को तो घाटा है। तो जो सामान पहले खरीद के लेके आए हैं उन्हें पहले ही बेचो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जैसे उसी तरह से हमारे बिजनेस में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक
we will continue it tomorrow.